चलिए खबर पंचायत में अब रुख डूंगरपुर का करेंगे, जहां जोथरी में पंचायत समिति मुख्यालय पर सीनियर स्कूल में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन हुआ। जालौर के भीमाल में करीब 10,000 लोगों पर एक पुलिसकर्मी कार्यरत है, जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1,20,000 है। वहीं भीमाल थाने में 12 पुलिसकर्मी रात को गश्त करते हैं, वहीं गश्ती में कमी से चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जालौर के जसवंतपुर में तहसील मुख्यालय पर भूमाफियाओं और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। यहां ग्रामीणों ने कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को शिकायत की, उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से बड़ा क्षेत्र अतिक्रमण की जद में है। जालौर के सांचौर में मीठा बेरा की भूमि मामले में हाईकोर्ट में चल रही अपील का स्थगन आदेश जारी करते हुए मामले के निस्तारण तक क्षेत्र में पट्टे और पंजीयन सहित अन्य कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए। जालौर के आहोर में सियाणा गांव में बारिश के बाद टूटी सड़कों से बदहाल हुए मालकों पर पैचवर्क के नाम पर लीपापोती हो रही है। यहां पैचवर्क के नाम प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, यहां काम के बाद कुछ ही दिनों में वापस सड़क पर गड्ढे हो जाएंगे। झालावाड़ के खानपुर में बकानी ब्लॉक में फ्री फैब हेल्थ सब सेंटर का निर्माण किया गया, आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों में हेल्थ सब सेंटर बने हैं। ये सभी भवन साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, वायर प्रूफ, फायर प्रूफ है। प्रति भवन 27 लाख की लागत से सेंटेक्स कंपनी गुजरात ने इसका निर्माण किया है। अजमेर के अराई में अस्पताल में 4 डॉक्टर्स में से एक भी उपस्थित नहीं मिला, एक डॉक्टर बीसीएमओ बने हुए हैं तो एक डेपुटेशन पर है। 2 दिन से अस्पताल में डॉक्टर नदारद है, सिर्फ एक कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है, इसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के भिनाई में बस स्टैंड से लेकर ग्राम पंचायत परिसर तक सड़क मार्ग पर गंदगी ही फैली है और इस गंदगी की वजह से आमजन परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और प्रशासन से गंदगी से मुक्ति दिलाने की मांग की है। अलवर के गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से लाइट्स खराब पड़ी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई बार मामले से अवगत कराने के बावजूद भी लाइट्स सही नहीं कराई जा रही, इससे रात के समय में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ की भवानी मंडी में खेत पर पानी पिलाने के दौरान पैर फिसलने से कुएं में गिर जाने से युवक की मौत हो गई, घटना सुलिया गांव की है। जैसलमेर के नाचना में बड़ा हादसा होने से टल गया, यहां बिजली पोल से बजरी से भरा ट्रक टकरा गया, इससे 2 पोल टूटकर जमीन पर गिर गए, घटना नाचना के साकड़िया गांव की है। अजमेर के विजयनगर में भाजपा के पूर्व देहात जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा का 4 साल के बाद भाजपा में वापसी पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। अलवर के रामगढ़ में एटीएम हैकर्स का ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, उद्योग नगर थाना पुलिस ने 4 हैकर्स को गिरफ्तार किया। उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा बदले हुए एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई। झुंझुनू के बुहाना में बालाजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुहाना में नवनिर्मित बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति शनिवार को रखी गई। राजसमंद के आमेट में कार अनियंत्रित होकर पलटकर गड्ढे में जाकर गिर गई, इससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं बता दें कि वो वापस उज्जैन के लिए जा रहे थे, दोनों घायलों को राजसमंद रेफर किया गया है। दौसा के बांदीकुई में शहर केमदान नर्सिंग होम में ऑपरेशन के माध्यम से एक मरीज के पेशाब की थैली से 0.5 किलो की 2 पत्थरियां निकाली गई। दौसा की मैवा में उपखंड के ग्राम करणपुर में शहीद संजय गुर्जर की तृतीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। शनिवार को करणपुर स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, इस दौरान लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दौसा के लालसोट में राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान माला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट ने कहा कि युवाओं में कौशल विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। जालौर के चितलवाना में देवड़ा गांव में भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम पिछले 2 महीने से बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ग्रामीणों को करीब 20 किलोमीटर दूर जाकर रुपए निकालने पड़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एटीएम लगाने के बाद अधिकतर बंद ही रहे।
कई बार बैंक प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन बैंक प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड मुख्यालय में एकमात्र एसबीआई एटीएम बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एटीएम सेवा एक महीने से बंद पड़ी है। इसे NH-68 पर चलने वाले यात्रियों पर उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के भादरा में कन्या महाविद्यालय में चिकित्सा प्रभारी दीपक चौधरी उनकी टीम द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में डॉक्टर दीपक चौधरी ने छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में आबकारी पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान आबकारी पुलिस ने अवैध शराब की ब्रांचों से 258 पव्वे देशी शराब, 78 पव्वे सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दौसा के सिखराय में रानोली गांव में पुलिस चौकी से बहस 200 मीटर की दूरी पर स्थित बिजली के पोल से 16 केवी का ट्रांसफॉर्मर चोरी करने गए। चोरी की घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाते हुए विरोध किया है। अजमेर के पुष्कर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात की ओर से अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस आयोजित हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर संसदीय सचिव, पालिका अध्यक्ष, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख ने शिरकत की। दौसा के बांदीकुई में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आभानेरी की चांद बावड़ी को देखने इन दिनों बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। वहीं तेज सर्दी होने के कारण यहां पर पर्यटकों की संख्या रोजाना 400 से 500 तक पहुंच रही है। इससे चांद बावड़ी में दिनभर पर्यटकों की रौनक बनी हुई है। अजमेर के विजयनगर में स्काउट गाइड संघ की ओर से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस दौरान आपदा प्रबंधन के दौरान कैसे करें सेवा कार्य, साथ ही ट्रेन दुर्घटना और भूकंप की स्थिति में किए जाने वाले सेवा कार्य का प्रदर्शन हुआ। अजमेर के भिनाया एसडीएम राजेंद्र शेखावत ने चाय की थड़ी पर ग्रामीणों की जनसुनवाई की और जल्द ही निवारण का आश्वासन दिया। दौसा के सिकराय में मानपुर थाने में एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी और मोबाइल सिम बेचने का मामला दर्ज करवाया है। चलिए खबर पंचायत में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर पंचायत में अब रुक करेंगे दौसा का, जहां महवा में मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज ने नगरपालिका के नव नियुक्त चेयरमैन का सामाजिक स्तर से माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें इस दौरान बोहरा ने सामाजिक लोगों का आभार जताते हुए कहा कि नगरपालिका स्तर से नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। दौसा के लालसोट में मंडावरी गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शराब मुक्त अभियान का आयोजन किया गया। वहीं अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष सीएल ठीकरिया ने कहा कि समाज के विकास के लिए शराब मुक्त व्यवस्था का होना जरूरी है। टोंक के उनियारा में झारा गांव से एक महीने पहले नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में पुलिस ने लड़की को झारखंड से दस्तयाब किया। बता दें आपको कि इस नाबालिग लड़की ने माता पिता के पास जाने से इनकार कर दिया है। इस पर पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के संप्रेषण गृह भेज दिया। हनुमानगढ़ के भादरा में सिंचाई विभाग ने अमर सिंह सब ब्रांच का रेगुलेशन घोषित किया। रेगुलेशन के अनुसार 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक दीपलाना माइनर, भादरा माइनर, सरदारगढ़िया माइनर, मुंसरी माइनर, छानी माइनर, जोगीवाला माइनर में सिंचाई के लिए पानी प्रवाहित होगा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में सिद्धपीठ श्री डिग्गी वाले हनुमान बाबा मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ के रावसर में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एक जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यहां युवक ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए वार्ड के सुरेंद्र कुमार पर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप लगाया है।
हनुमानगढ़ के नोहर में वार्ड 18 में सीसी रोड निर्माण का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष अमित चाचान उपाध्यक्ष श्रीराम व्यास ने किया। इस पर 5.25 लाख रूपये खर्च होंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया के वार्ड 16 में एक डेयरी पर चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए सिलेंडर को सड़क पर फेंक दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड पुलिस को सूचना दी गई। अलवर के गोविंदगढ़ में राजकीय पशु चिकित्सालय भवन निर्माण पर लंबे समय से चल रहा विवाद अब टल गया है। बता दें कि इसमें ग्राम पंचायत रामबास के सरपंच और क्षेत्रीय विधायक ने दोनों पक्षों को बैठाकर मामले का निपटारा किया। जालौर के जसंतपुरा में तहसील मुख्यालय पर प्रशासन और जिम्मेदार महकमे की बेपरवाही के चलते यहां राजस्व भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। यहां पर सुधा माता चौराहा, हवाई मैदान और रेवदर रोड पर जवाहर नवोदय विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण हो रहे हैं। जालौर के आहोर में खारा, जुगावा और कांबा गांव के किसानों ने साल 2016 और 2017 में फसल खरीदे का सरकारी अनुदान और बीमा क्लेम राशि के भुगतान की मांग की है। जालौर के बीनमाल में कस्बे के पास पहाड़ी पर स्थित श्रीमकारी माता मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के आस्था का सफर सुगम होगा। सड़क की कायाकल्प होने के साथ ही सड़क की चौड़ाई दोगुनी होगी। दर्शनार्थियों को वाहन पार्किंग सुविधा से अन्य सुविधा भी मिल पाएगी। जालौर के सांचौर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला स्तरीय बैठक कल आयोजित होगी। इसके तहत जयपुर में प्रस्तावित रैली सहित वेतन विसंगतियों और नियमितीकरण को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। अलवर के थाना गाजी में गेहूं की बुआई के साथ वन अधिकारियों की चिंता भी बढ़ गई है। यहां जंगल से जानवर खेतों की ओर ना आए, तो जंगल से खेतों के लिए जानवर ना आए इसके लिए वनकर्मी क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। पिछले साल इस समय आधा दर्जन ग्रामीणों को जानवरों ने घायल कर दिया था, इससे उनकी मौत हो गई थी। करौली के मासलपुर में सहायक कृषि अधिकारी सहित कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, इसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन इन सबके बावजूद प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के गोविंदगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज की 15 क्लासेस के 1300 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 व्याख्याता की कमी से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। बता दें जिसकी जिम्मेदार मौजूद सरकार है उनके अनेकों बार विज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देने के बाद व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं की गई। राजसमंद के अमेठ में तेरापन सभा भवन में एक दिवसीय विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 28 नवम्बर को किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री भैरव चैरिटेबल ट्रस्ट बीसलपुर के डॉक्टर्स द्वारा रोगियों का आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। टोंक के निवाई में राजकीय महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर मंजुलता शर्मा ने बताया कि इस दौरान हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और शुगर सहित कई प्रकार की निःशुल्क जांच की गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स महासंघ ब्लॉक की बैठक नेहरू पार्क में आयोजित हुई। इस मौके पर जिला संयोजक ने कहा कि सरकार मदरसा बोर्ड पैरा टीचर्स को मानदेय समय पर नहीं दे रही और नए नए आदेश जारी कर परेशान कर रही है। करौली के टोड़ा भीम उपखंड मुख्यालय से जोशीबाड़ा में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात नकदी पार कर लिए। पीड़ित परिवार के लोग सुबह जैसे ही उठे तो उनके कमरों की बाहर से कुंडी लगी हुई मिली। उन्हें हल्ला मचाने से मोहल्ले के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। करौली के हिंडौन सिटी के बिनेगा गांव में एक मां को जब करीब 10 साल पहले बिना बताए घर से निकला बेटा अचानक सामने दिखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वहीं उसे वो गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लग गई। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में किसानों में सुल्ताना के 132 केवी जीएसएस का निजीकरण करने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में अखिल भारतीय किसान महासभा ने डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन भेजकर आक्रोश जताया। महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामचंद्र कुलहरी के नेतृत्व में एईएन को मांग पत्र सौंपा गया। सिरोही के शिवगंज में वापस एकांतरित जलापूर्ति की जाएगी। 7 दिन पहले जलदाय विभाग ने शहर में रोजाना जलापूर्ति की ट्रायल शुरू की थी। ये ट्रायल असफल रही, इसके बाद अब शनिवार से वापस एकांतरित जलापूर्ति की जाएगी।
अजमेर के किशनगढ़ में दिनदहाड़े घर में घुसकर उमा पांडे की हत्या के मामले में पुलिस परिवार के रिश्तेदारों की डिटेल निकालने में जुटी है। पुलिस दो दिन में हत्याकांड की गुत्थी खोल सकती है, पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अजमेर के नसीराबाद में नगर कांग्रेस ने परिवहन मंत्री यूनुस खान को ज्ञापन भेजकर नगर में रोडवेज डिपो बनाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नगर से प्रतिदिन कई स्थानों के लिए सैकड़ों रोडवेज बसें गुजरती हैं, उनमें हजारों यात्री यात्रा करते हैं। अलवर के तिजारा में एक विवाहिता ने अदालत इस्तगासे के जरिए तिजारा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामला बागोर गांव का है। और इसी के साथ ही खबर पंचायत में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। Thank you.